कम वक्त बाकी रह गया है और यही वजह है दोनों ही दलों ने अपनी कमर कस ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को लेकर एक बड़ा दांव खेला है। क्या है वो दांव, देखिए इस रिपोर्ट में। आम चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा सम्मेलन किया। इस सम्मेलन के जरिए कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को लुभाने की कोशिश तो की ही, साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग को अपने पाले में करने की कवायद भी शुरू की। सम्मेलन में ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ताओं में नया जोश भी भरा गया। साथ ही इस बात का भी फैसला लिया गया, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की केंद्र सरकार से मांग करेगी। आपका ओबीसी का हर संवाद में एक बड़ा सम्मेलन हो, जिसमें ये टॉकिंग पॉइंट की भी चर्चा हो, क्या क्या बात बतानी है। जैसे मैंने बात बताया कि आज की डेट में हमको ये आरक्षण में उलझना नहीं है, मगर जो मेन मुद्दे है ये देश के नरेंद्र मोदी से पूछना है, 15 लाख का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, किसानों का 50% जो मुनाफे वाला जो मूल्यवर्धन था उसका क्या हुआ, महिलाओं की इज्जत का क्या हुआ, 56 की छाती का क्या हुआ, नोटबंदी के नतीजों का क्या हुआ, आपने जीएसटी लागू किया उसकी वजह से हुई तबाही का क्या आपका निराकरण है, वो प्रश्न से हम भटक न जाए वो सब लोगों को समझाना है। गौरतलब है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दबदबा पिछड़े वर्ग का है। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का प्रतिशत करीब 33% है। पिछड़े वर्ग के बाद संख्या बल में नंबर आता है सामान्य वर्ग का। प्रदेश में सामान्य वर्ग के करीब 23% मतदाता हैं, जिसमें ब्राह्मणों की संख्या 40 लाख है और उसके बाद नंबर आता है अनुसूचित जनजाति का। देखिए ओबीसी समाज को अगर कांग्रेस पार्टी और सम्मान देना चाहती है और अधिकार देना चाहती है तो इस बात का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। पर माननीय कमलनाथ जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि देश के कई राज्यों में उच्च जाति के स्वर्ण लोगों को जो 10% आरक्षण मिला है वो लागू हो गया है, मध्य प्रदेश में क्यों लागू नहीं किया जा रहा? क्या उच्च जाति के लोगों को अपना अधिकार पाने का गरीबों का हक नहीं है क्या? कमलनाथ जी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। आज कमलनाथ जी को सुभाष यादव बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं। क्या सुभाष यादव जी जब चुनाव होते हैं तभी माननीय कमलनाथ जी को याद आते हैं? आपने देखा होगा विधानसभा के पहले उन्होंने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा था कि कई सीटों पर ओबीसियों का प्रभाव है, अगर राहुल गांधी जी आएंगे तो उन सीटों पर कांग्रेस को फायदा होगा। अब फिर चुनाव आ गया है लोकसभा का और फिर सुभाष यादव जी की कांग्रेस को याद आ रही है। मुझे लगता है ये एक प्रकार से सुभाष यादव जी का अपमान है। ऐसे में देखने दिलचस्प होगा कांग्रेस का नया दांव कितना कारगर साबित होता है। रिपोर्ट डीएनए। केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा, मोदी सरकार ने विपक्ष को परेशान करने की नीयत से जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है। एक बात बिल्कुल प्रमाणित हुई है कि जितनी जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग और निरंतर और लगातार दुरुपयोग एनडीए भाजपा की सरकार ने जो विपक्ष के नेता है और विपक्षी पार्टियां हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए और झूठी फौजदारी की कार्रवाई चलाने के लिए निरंतर और लगातार इस्तेमाल किया, उसका सबसे बड़ा प्रमाण श्री अरुण जेटली जी ने खुद इस देश के सामने पेश किया। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी के सीएम के संदेश को न पढ़ने को लेकर कांग्रेस पार्टी के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इमरती देवी का बचाव किया है। सिंधिया ने कहा कि भाजपा के लोग संवेदनशीलता खो चुके हैं। सिंधिया ग्वालियर शहर में के विकास को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और विधायकों के साथ बैठक लेने पहुंचे थे। बड़ी लंबी एवं विस्तृत बैठक हुई है ग्वालियर के विकास और प्रगति के संदर्भ में। सारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्रीगण, शहर के प्रथम नागरिक शिजुल साहब, प्रशासन के समस्त अफसरों के साथ ग्वालियर के आगामी एवं भविष्य की विकास की योजनाओं की चर्चा हमारी हुई। जिस वातावरण में इमरती जी गई थी उस कार्यक्रम में वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, उनको चक्कर आ रहा था,
इसलिए उन्होंने कलेक्टर साहब को कहा कि आप वाचन कर लो। उस कार्यक्रम से सीधा वो, उनका स्वास्थ्य इतना बुरा था कि वो कार्यक्रम से सीधा वो अस्पताल में पहुंची हैं। जब तक आपको सत्य मालूम न हो, सनसनी खबर फैलाने के लिए आप हर चैनल पर मत डालो जब तक आपको वास्तविकता न मालूम। प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि सूबे की कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश में सिलसिलेवार हत्याओं का खुलासा पुलिस ने कम समय में कर दिया है। अधिकतर मामलों में हत्यारे बीजेपी से ही संबंधित निकले हैं। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रतलाम में हुई दलित की मौत के बाद क्या दलित के घर जाएंगे या धरना देंगे। गृहमंत्री की माने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। लोगों ने जो हत्या की है एक दलित की, क्या अब उनके पुतले दहन ये करेंगे? तो चाहे वो रतलाम की घटना हो, चाहे मंदसौर की घटना हो, कानून को हाथ में लेने का काम ये खुद कर रहे हैं और उसका ढिंढोरा हम लोगों पर पीट रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी जो जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की जो 7.5 करोड़ जनता है उनकी रक्षा सुरक्षा और उनकी हिफाजत के लिए हमारा विभाग मध्य प्रदेश शासन दृढ़ संकल्पित है। और प्रदेश सरकार की युवा स्वाभिमान योजना को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि सरकार में आने के बाद बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का काम हम करेंगे, लेकिन लगता है सरकार अपना वचन पत्र भूल गई है। सिंह ने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की योजना का नाम लेकर और उसे लागू कराकर कमलनाथ सरकार श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के युवाओं से जो वादा किया था, जो वचन दिया था, उस वचन को भंग करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है, कमलनाथ जी कर रहे हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे कांग्रेस सरकार और कमलनाथ जी, यहाँ वहाँ की बात ना करें। केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की योजना का नाम लेकर इम्प्लीमेंटेशन करवा कर अपने खाते में ये श्रेय ना ले जाएं, बल्कि जो आपने वचन दिया था कि हम बेरोजगारों को 10,000 रुपये महीने का भत्ता देंगे, भत्ता देने का काम करें। भोपाल में बीजेपी के दो कद्दावर नेताओं की मुलाकात ने प्रदेश की सियासत में भूचाल सा ला दिया है। एक नेता है सूबे के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर और दूसरे नेता है प्रदेश के पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुशमारिया। हालांकि कुशमारिया बीजेपी से निष्कासित हो चुके हैं। गौर की ताजा मुलाकात की टाइमिंग को लेकर सियासी चर्चाएं गरमाने लगी हैं। इस मुलाकात को भाजपाई असंतुष्टों द्वारा लोकसभा चुनाव के पहले सियासी समीकरणों में बड़े उलटफेर होने की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के कद्दावर नेता बाबूलाल गौर लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। गौर के ये बयान जहां बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं, वहीं पार्टी के लिए चिंता का कारण भी बने हुए हैं। इसी बीच सोमवार को प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री रामकृष्ण कुशमारिया गौर साहब के निवास पर पहुंचे। भोपाल में दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने सियासी चर्चाओं का पारा चढ़ा दिया है। वहीं राजनीतिक दलों इस मुलाकात को आने वाले लोकसभा चुनाव के समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसकी वजह है कुशमारिया का वो बयान जिसमें उन्होंने दावा किया है उनकी वजह से बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ है। साथ ही कुशमारिया ने लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। और मैं दो जगह से चुनाव लड़ा तो दो जयंत मलैया को हराया, लखन पटेल को हराया। उसके साथ साथ सागर की 3 सीट गई, छतरपुर की 5 सीट गई और पन्ना की 1 सीट गई। ऐसी 11 सीटें गई एक व्यक्ति के कारण। राजधानी भोपाल में रामकृष्ण कुशमारिया और बाबूलाल गौर की इस मुलाकात ने कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का एक और मौका दे दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दोनों नेताओं की मुलाकात और बाबूलाल गौर के बयानों को लेकर जब सवाल किया तो सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा जो भी समाज सेवी हैं कांग्रेस में उनका स्वागत है। अब ये वो स्वतंत्र हैं, जो भी चाहें ऐसे का जहाँ से सम्मान मिलेगा वहीं से। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, पर दिल में कह रहे हैं। हम जो भी समाज सेवक हैं जो किसी भी दल में हैं हम उनका स्वागत करते हैं।
इधर कुसमारिया और गौर की इस मुलाकात को लेकर बीजेपी संभली भी नहीं थी और पूर्व मंत्री सरताज सिंह ने भी साफ कर दिया कि वो कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सिंह ने तीन राज्यों में हार की वजह प्रधानमंत्री मोदी से मतदाताओं का मुंह भंग होना भी बताया है। गौरतलब है सरताज सिंह बीजेपी से नाराज होकर ही कांग्रेस में गए थे। सूत्रों की माने तो गौर के खिलाफ बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी कर ली है। मुमकिन है 30 जनवरी को गौर आगे बीजेपी में रहेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब मिल सकता है। पार्टी ने गौर के ताज़ा बयानों की एक वीडियो क्लिप भी राष्ट्रीय संगठन को भेजी है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या गौर के साथ मिलकर कुसमारिया प्रदेश के असंतुष्ट भाजपाइयों की लामबंदी कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट GNN। मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के बयानों से इन दिनों बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने, कमलनाथ को अपना नेता बताने और संगठन में वरिष्ठों को दरकिनार करने के बयान के बाद गौर ने एक बार फिर कुसमारिया को लेकर बीजेपी संगठन पर निशाना साधा। गौर ने कहा रामकृष्ण कुसमारिया का नाम सर्वे में था लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वही गौर के बयान पर बीजेपी संगठन का कहना है कि बाबूलाल गौर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है। कुसमारिया को सर्वे के आधार पर टिकट नहीं देने पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा टिकट किसको देना है इसका निर्णय चुनाव समिति करती है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। नेता है, अगर उन्होंने कोई बात सार्वजनिक तौर पर कही है तो हमारे नेतृत्व के संज्ञान में है, नेतृत्व समय आने पर जो भी आवश्यक कदम उठाना होगा उठाएंगे। कोई भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, प्रत्याशी का चयन का अधिकार केंद्रीय चुनाव समिति को होता है, उसके अपने मापदंड होते हैं, किसी नेता विशेष के नहीं। इसलिए केंद्रीय चुनाव समिति जो भी निर्णय लेती है वो 100% सही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। और खेल मंत्री जीतू पटवारी भोपाल के समन्वय भवन में यादव महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पीसीसी में समय नहीं देने की खबरों को निराधार बताया। पटवारी ने कहा अंदर की खबर कुछ और थी और मीडिया में जो खबर छपी वो कुछ और। अभी भारत देश में समाज के साथ साथ मैं चाहता हूं कि हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर जाए। साथियों, मैं डॉक्टर मनोज जी से निवेदन करूंगा थोड़ा सा शाही घोड़ा मुखो जी को बताया। मध्य प्रदेश के यादव समाज से निवेदन करना चाहूंगा, ये सारी अखबारों की खबरें थी, मैंने भी पढ़ी। एक चूंकि मैं मंत्री हूँ, संगठन के कारण हूँ, कार्यकर्ताओं के कारण सरकार बनी, कार्यकर्ताओं के कारण बनी। हम लोगों को वो भाव, वो आभास कि हम कार्यकर्ताओं के पीछे ही हैं और हमेशा रहेगा। वहाँ पे क्या बातें हुई वो अलग थी और आपने छापी वो अलग। मैं मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से आदरणीय कमलनाथ जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कर्ज माफी करने का फैसला लिया और साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया को इतना पारदर्शी बनाया है जिसके माध्यम से हर ग्राम पंचायत में किसानों की सूची चस्पा होने का काम हुआ, जिसके माध्यम से हमारे किसान साथियों को ये मालूम चला कि पिछले 15 सालों से एक जो गोरख धंधा जो है किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और अधिकारियों की मिली भगत से एक बड़ा रैकेट, बड़ा घोटाला जो है किया जा रहा था और ये उस पूरी प्रक्रिया के कारण ही ये सारी चीजें सामने आई है। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा ने प्रदेश भर में सदस्यता अभियान के साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की तैयारी कर ली है। लिहाजा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिलों का दौरा कर फीडबैक ले रहे हैं। इसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी और फिर उम्मीदवारों के चयन का दौर शुरू होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो सवर्ण वर्ग को काफी तवज्जो देने की योजना बना रही है जिससे पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो पाए। जबलपुर की बेटी राजनंदिनी ने राज्य सेवा परीक्षा 2018 में तीसरे नंबर पर आकर जिले सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है।
गौरतलब है कि एमपीपीएससी में राजनंदिनी शर्मा को तीसरा स्थान मिला है। राजनंदिनी वर्तमान में मंडी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। डीएन से बातचीत करते हुए राजनंदिनी ने सभी को कड़ी मेहनत करने का संदेश भी दिया। एमपीपीएससी में फिर एक बार जबलपुर का नाम रोशन करने वाली राजनंदिनी जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से आज वो पूरे एमपी में जो थर्ड पोजीशन पे है, उनसे जानते हैं किस प्रकार से ये मेहनत कहां तक उन्होंने कितनी मेहनत की है और यहां मुकाम पे पहुंचने के लिए क्या उनकी जी आपने जो है आज ये मेहनत की और आप सिलेक्ट हुई है, क्या कहना? मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि फाइनली जिस एम को मैं टारगेट कर रही थी उसका फर्स्ट स्टेप मैंने पार कर लिया है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस भी ज़्यादा है और सबकी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, इसलिए आज मैं इस मुकाम पर हूँ। आप यहाँ मुकाम पर पहुँचे हैं तो किस प्रकार की सेवा करना चाहेंगे आप जो मुकाम के बाद? जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी मेरी, जो भी मुझे डिपार्टमेंट मिला जाएगा, जो भी मेरा एरिया ऑफ कंसर्न होगा उसको मैं डेफिनेटली अपना 100% देने की कोशिश करूंगी और जो भी मेरी पोजीशन है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा एक पॉजिटिव ऑरा वहां क्रिएट कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकूं, बस मेरी यही इच्छा है। अभी आप वर्तमान में मंडी में भी सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं और अभी आप संघर्षरत हैं और इस पोस्ट में आने के बाद जब ये जिम्मा मिलेगा तो किस प्रकार की क्या नई सोच होगी आपके पास? सोच तो डेफिनेटली अपना विजन क्रिएट करते हैं क्योंकि करना ज़रूरी है और एक विजन के साथ में आई थी कि यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने हैं, तो जो जो डिफिकल्टीज आती जाएंगी एक एक दो दो हाथ करते चलेंगे और उसमें जो भी नया इनोवेट कर सकते, जो भी नया क्रिएट कर सकते, जो नया प्रो क्रिएट कर सकते हैं वो मैं अपना 100% करूंगी। हमारे साथ हैं उनकी माता जी भी हैं, उनसे जानते हैं कि आज इस खुशी पे कितना उनको खुश हो रहा है। आप कितनी खुश हैं अभी सुना आपके बच्चे जो पीएससी में? जहाँ तक खुशी की बात है शब्दों में तो हम लोग इसको बयान ही नहीं कर सकते और हमारी बेटी ने हमारा गौरव बढ़ाया, हमारा गर्व बढ़ाया है, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर सकते और बेटी मेरी मुझे कभी बेटी नहीं लगी, फ्रेंड लगी, बेटा लगी। किस प्रकार से कितनी मेहनत की आप लोगों ने, कितना सपोर्ट किया? जहाँ तक सपोर्ट की बात है मैं बचपन से उसके साथ सपोर्ट ही रही हूँ और इवन इस मुकाम पे जब उसने पीएससी की तैयारी की मैंने उसको अपने लेवल पे सपोर्ट करने की कोशिश की है। जहाँ उसके हार्ड पॉइंट्स थे या याद नहीं होता था तो हम लोग मिलके फ्रेंड की तरह याद करते थे उसको। हमारे साथ उनके पापा जी भी, उनसे भी जानते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। जी सर, आपको कितनी खुशी हो रही है? अपार खुशी है, एक पिता होने के नाते इससे ज़्यादा खुशी की उम्मीद कोई कर ही नहीं सकता। बेटी जिस मुकाम पर पहुंची है बहुत कम लोगों को या माता पिता को ये ऐसा मौका मिलता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राजनंदिनी बेटी के रूप में मेरे घर में जन्म ली है। जिस प्रकार से पिताजी को काफ़ी गर्व है बच्चे के ऊपर और हमारे साथ है गौतम एकेडमी जहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, उनसे भी जानते हैं कि ये आज इस मुकाम पर पहुँचे, कितनी मेहनत सर ने कराई और कितनी मेहनत के बाद आज इस मुकाम पहुँचे। सबसे पहले तो राजनंदिनी और उनके मदर फादर को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं क्योंकि इस बार उन्होंने फिर एक बार संस्कारधारी के गौरव को, गरिमा को बहुत शिखर पर ले गए हैं और आज महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में राजनंदिनी ने जो एक इतिहास रचा है बहुत गर्व का विषय है। और मैं आज मम्मी पापा से मिलने का भी मुझे सौभाग्य मिला लेकिन मैं इस बात को महसूस कर पा रहा हूँ कि माता पिता के जो परवरिश है, संस्कार हैं या उसके अंदर जो इंटरनल वैल्यूज हैं वो एकदम आदती हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि एक सच्चे ब्यूरोक्रेट्स में जो योग्यताएं होती हैं कि नॉलेज तो होता है, हर चीज़ की समझ तो होती है, साथ ही उसके मन में एक अच्छा मन होता है, एक अच्छा इंटेंशन होता है, अच्छी भावनाएं होती हैं, अच्छी संवेदनाएं होती हैं, वो मैं राजनंदिनी को देख रहा हूँ कि उसमें ये सब चीज़ें हैं। उसका श्रेय उनके माता पिता, उनके परिवार, उनके दोस्तों को भी जाता है और मैं इस बात से मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे भी इस परिवार का सदस्य बनने का मौका मिला और मैं पुनः उसको धन्यवाद देता हूँ
और कहता हूँ कि यूपीएससी एग्जामिनेशन को फोकस करे, बहुत छुट्टी है अभी, वहाँ भी वो बेस्ट करेगी और ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। वो 100% एक यूपीएससी टॉपर के लिए डिजर्व करती है, ये मेरा मूल्यांकन है और मेरी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से इस बुलंदी पर पहुंची है उनका ये कि इनके इसके पहले भी सब इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए उन्होंने ये एमपीपीएससी की जो परीक्षा है इसको स्केल किया और आज पूरे जबलपुर पूरे महाकौशल का नाम रोशन किया है। कैमरामैन महावीर के साथ दिनेश चौधरी, डीएनए न्यूज जबलपुर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, भोपाल से। यहां पर कलेक्टर ने सर्दी को देखते हुए दो दिनों तक स्कूलों की छुट्टी घोषित करने का आदेश दिया है। स्कूलों में दो दिन की छुट्टी घोषित की है कलेक्टर ने, इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। प्राइमरी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। भोपाल से बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, स्कूलों में दो दिन की छुट्टी कलेक्टर ने घोषित की है, इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्राइमरी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। सर्दी के प्रकोप को देखते हुए ये आदेश कलेक्टर ने जारी किए हैं। और फोन लाइन पर सोहन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। सोहन, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी। जी बिल्कुल, अगर देखें जिस तरह से अगर मैराथन जो है अपना जो है बरपा रही है, पारा जो है जिस तरह नीचे जा रहा है, तो उसको देखते हुए कई जिलों में पहले ही जो है शिवपुरी की बात करें या मुसीबत की बात करें तो वहां पे जो है पहले से ही छुट्टी के आदेश हो गए थे, समय बदलाव के आदेश हो गए थे, लेकिन भोपाल राजधानी में अभी तक इस तरह से आदेश जारी नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है कलेक्टर सुराम खाने हैं, उन्होंने जो है घोषणा कर दी है कि अब दो दिन तक जो है स्कूलों की छुट्टी रहेगी, लेकिन ये फिलहाल प्राइमरी स्कूलों तक ये लागू होगा और जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उनमें अब 8:30 के बाद स्कूल लगेंगे। तो कह सकते हैं फौरी तौर पर तो बच्चों को छात्रों को राहत दी गई है, लेकिन 8:30 के समय में भी अभी ये माना जा रहा है कि अगर आगामी ठंड होगी तो उसमें और बदलाव किया जा सकता है और इस आदेश को संशोधित किया जा सकता है। तो माना जा रहा है कि अभी 9 बजे तक ये किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय से ठंड को लेकर और कई दूसरी जगह जब आदेश हो गए थे तो उसके बाद ये प्रयास लगाया जा रहा था कि राजधानी में बहुत जल्दी निर्णय लिया जाएगा। और अब जो है कलेक्टर ने बात कह दी है कि हाँ, अब जो राजधानी के स्कूल है दो दिन तक प्राइमरी स्कूल है क्योंकि उसमें बहुत छोटे छात्र होते हैं 6 क्लास तक, तो वहाँ पे जो है फिलहाल जो है दो दिन तक छुट्टी, और जो हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल है वहाँ पे अब जो है 8:30 के बाद स्कूल लगेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोहन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से दो दिनों की छुट्टी कलेक्टर ने घोषित की स्कूलों की बढ़ती सर्दी को देखते हुए और ये प्राइमरी स्कूलों पर आदेश लागू होगा। प्रयागराज कुंभ मेले में बीती रात किन्नरों ने अपनी सबसे गोपनीय पूजा लोक कल्याण के उद्देश्य से सार्वजनिक की, जिसमें दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ के कल्याण से जुड़ा हुआ अनुष्ठान किया गया। इस पूजा में ये कामना की गई कि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को पुण्य की डुबकी लगाने के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि न हो, वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे। बता दें, इस पूजा और अनुष्ठान के जरिए श्रद्धालुओं के पाप में भी कटौती मिलेगी और आसुरी शक्तियों का नाश संगम की रेती पर हो जाएगा। तो ये गुप्त पूजा सार्वजनिक तौर पर किन्नर समाज ने की है और इस पूजा और अनुष्ठान के जरिए श्रद्धालुओं के पाप में भी कटौती होती है और आसुरी शक्तियों का नाश संगम की रेती पर होता है। बहरहाल अगली खबर की बात करेंगे, ट्रांसजेंडर्स के लिए कानून में बदलाव तो हो गया है, उन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा भी मिल गया है, लेकिन जब तक समाज उन्हें नहीं स्वीकारेगा तब तक सोच में बदलाव नहीं आ सकता। समाज में इसी सोच को बदलने के इरादे से शहर में पहली बार सेंट्रल इंडिया ट्रांस प्रिंसेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर के साथ नागपुर और दिल्ली के ट्रांसजेंडर्स ने भी हिस्सा लिया है। और अगली खबर की बात करेंगे, रतलाम जिले के कमेड़ में हुई हत्या के मामले में सनसनी केस खुलासा हुआ है। दरअसल कमेड़ में मिले शव को आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार का बताया जा रहा है। वो शव हिम्मत का नहीं है बल्कि उसके खेत पर काम करने वाले नौकर का निकला है। पुलिस ने यह खुलासा शव की डीएनए रिपोर्ट के आधार पर किया है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर से यहां पर एक युवक की चाकू मार कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मामूली सी बात को लेकर यह विवाद हुआ था, हत्या के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। मामूली सी बात को लेकर यह विवाद हुआ था और हत्या के बाद से आरोपी फरार है। तो जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। मामूली सी बात को लेकर यह विवाद हुआ था, हत्या के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। डीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।